हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेशन जो है गाइस, ये आपका जीके जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, पूरा आपका जीके जीएस से रिलेटेड है। आप सभी को पता है वीडियो का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो नया फॉर्म आया वीडियो का वो भी है, और आपको पता है कि गाइस की यूपी बीएड का भी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी पेपर के लिए आपका जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेशन में हम लोग गाइस टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिएगा और देखिएगा कि मेरी कितनी तैयारी है और कितनी और ज़रूरत है तैयारी करने की। ठीक है, तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑन स्क्रीन पूछा गया है कि चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है। तो बताइएगा गाइस, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। और हम आपको एक चीज़ और बात बताते हैं कि गाइस, इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन जो हम लोग करवाने वाले हैं ना, इसमें आपको सभी, जैसे कि आपको करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, और आपका इन्वायरमेंट से भी रहेगा। ठीक है, मतलब कि आपको ओवरऑल सभी कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात कर ली जाए तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो आपका 2023 है गाइस, तो ये मनाया जा रहा है पौष्टिक अनाज के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। तो गाइस आपको बताना है कि किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किसके लिए लॉन्च किया है गाइस, तो प्रवासी मजदूरों के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ है। तो यह गाइस किस मंत्रालय ने किया है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मेरा राशन ऐप। आप सभी को पता है राशन फ्री में बढ़ रहा है, तो वहीं से याद कर सकते हैं मेरा राशन ऐप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे थर्ड नंबर है गाइस कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है गाइस, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस। अगर आप लोग चीन लगा रहे हैं तो ये नहीं है, चीन नहीं है, चाइना ही हर चीज़ नहीं करता है। तो इसमें राइट आंसर गाइस, इसमें राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका रूस। रूस आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने, आपको पता है आरबीआई जो हमारी बैंक है, तो इसमें आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। गाइस अभी तक क्या ये सीमा कितनी तक थी, 1 लाख रुपीज़ थी। ठीक है, अब इसको कितना कर दिया गाइस, तो इसमें इसको 2 गुना बढ़ा दिया गया है, कि मतलब कि गाइस अगर 2 गुना बढ़ा दिया गया तो इसका क्या हो गया, 2 लाख रुपये हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। देखिए गाइस, सबसे पहले किसने प्रतिबंध लगाया था, तो स्विट्जरलैंड ने लगाया था। अब किस देश ने ऐसा किया है हाल ही में, तो गाइस में राइट आंसर आपका हो जाएगा किसने किया है, श्रीलंका ने किया है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, आप सभी को पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, और इसके तहत आपको बताना है कि बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो आपको बताना है उस मंत्रालय का गाइस नाम बताना है कि ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने बढ़ो चहल एक अभियान जो चालू किया था, तो किस मंत्रालय ने चालू किया गाइस, तो बढ़े चलो किस में बढ़े चलो, अपनी संस्कृति में बढ़े चलो। ठीक है, राइट आंसर आपका किस पे जाएगा, बी पे जाएगा। चलिए फिर गाइस, 7 नंबर आपसे पूछा गया कि हाल ही में कौन सा स्थान है जहाँ पर पंजाब का नया ज़िला बना है। देखिए गाइस, आपको ये बताना है कि पंजाब का जो नया ज़िला बनाए, 23वां नया ज़िला बनाए, उस ज़िले का आपको नाम बताना है, तो बताइएगा गाइस। देखिए आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें कि 23वां जो ज़िला बनाया गया है पंजाब में वह कौन सा ज़िला, उसका नाम क्या है गाइस, तो उसका नाम है आपका मलेरकोटला। ठीक है, ऑप्शन आपका किस पे जाएगा, डी पे जाएगा, मलेरकोटला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नील कड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। तो गाइस कौन है, देखिए अपने आईआईटी में सबसे ज़्यादा हाईलाइट कौन है, सबसे पुराना कौन सा गाइस, आप सभी को पता है कौन है, आईआईटी मद्रास, चेन्नई जिसे कहते हैं ना, तो राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही फिलहाल में डिजिटल बार्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो गाइस बताना है कि पहला राज्य कौन बना है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर बात कर ली जाए गाइस इसका डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग, मतलब कि डिजिटली अब बाढ़ की रिपोर्टिंग प्रस्तुत की जाएगी, तो गाइस यह कौन करेगा, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा असम ने किया है। ठीक है, ये काम कैसा है, बहुत ही औसम काम है, वहाँ से याद कर सकते हैं असम राज्य। अगला कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो बताइएगा गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, तो कहाँ इसकी स्थापना हुई है। देखिए कृषि से रिलेटेड आपसे पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा पुणे। ठीक है, पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में है ना, तो गाइस इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ है गाइस? तो पूरे देखिए, कोई सुविधा केंद्र खोला गया है तो वहाँ पे उस चीज़ों की समस्या का समाधान कैसा होगा? पूरे का पूरा हो जाएगा, मतलब पूरा का आप यहाँ ध्यान रखते हैं कि पूरे के पूरे मतलब समस्या का समाधान होगा, तो वहाँ से पूरे याद कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो गाइस बताइएगा कि कौन सा, देखिए आपको सभी को पता है आयुष्मान भारत कार्यक्रम हमारे इंडिया में चल रहा था और इसको लागू करने का कौन सा राज्य गाइस प्रथम स्थान पे अभी भी चल रहा है? तो गाइस ऐसा किसने किया है गाइस? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? तो इसमें राइट आंसर गाइस आपका क्या होने वाला है, वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, क्या किसने किया था? कर्नाटक ने किया था। देखिए गाइस, कोई भी कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसको सही तरीके से चलाने के लिए क्या होता है, बहुत से नाटक हो जाते हैं ना, बहुत सारे टीम जहाँ नाटक करना पड़ता है, तो आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं कर्नाटक। अगला क्या है कि किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई थी? गाइस आपको याद होगा जब कोविड 2020 चल रहा था तो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ थी, तो उसी उन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए एक संजीवनी परियोजना एक राज्य लाया था। तो उस राज्य को आपको नाम बताना गाइस, उसने क्या किया था? उस राज्य ने ऐसा किया था, संजीवनी परियोजना के माध्यम से घर पर ही कोविड मरीजों का इलाज किया जाता था। देखिए बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। और संजीवनी, देखिए संजीवनी आप क्या होता है, जड़ी बूटी होता है। जड़ी बूटी कैसी होती है? हरे पेड़ पौधे से मिलती है ना। संजीवनी कहाँ से मिलती है? हरे पेड़ पौधे से मिलती है। यहाँ से आप लोग हरियाणा याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेकिन मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम अब चेंज कर दिया गया गाइस, और यह कर दिया गया है कि बलबीर सिंह सीनियर। देखिए जो भी गाइस नाम हम लोग चेंज करते हैं, तो उस नामकरण को चेंज करने के लिए ऐसा नाम चुना जाता है जो बहुत ही अच्छा नाम हो, या फिर हमारे जो बहुत सीनियर रहे हों उनका नाम पर रखा जाता है। तो वहाँ से चीज़ें सीनियर लोगों के नाम पर ही चीज़ें रखी जाती हैं, तो वहाँ से आप ध्यान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया? तो गाइस अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है बताइएगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत वाहिनी ऐप आखिर ऐसा कौन सा राज्य है जिसने क्या किया ऑनलाइन? अब गाइस देखिए क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी, बेड वगैरह नहीं मिल पाते थे अस्पताल में, तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करके अपना बेड क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं अमृत वाहिनी ऐप गाइस। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइस इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ऐसा किसने किया था? ऐसा किया है झारखंड राज्य ने, तो वहाँ से आप लोग माइंड में सेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हैं तो जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो गाइस किसके साथ समझौता करेगा? देखिए कोई भी चीज़ है गाइस डिजिटल परिवर्तन ला रहा है, तो डिजिटल परिवर्तन में आप लोग अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑफिस होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे हम लोग कहते हैं गाइस। ठीक, उसी में सारी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे कि पावर पॉइंट, एक्सेल हो गया है ना, पीपीटी वगैरह। तो गाइस क्या है इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आपको क्या आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा आपका पूरा आना चाहिए। राइट आंसर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, यहाँ से याद कर सकते हैं। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लम्हेथाट घाट का संबंध किस राज्य से? आपको गाइस ये बताना है कि भेड़ाघाट और आपका लम्हेथाट कहाँ, ये चीज़ कहाँ पे है, ये स्थल जो है ये कहाँ पे है, भेड़ाघाट लम्हेथाट ये कहाँ पे, किस राज्य में है गाइस? तो अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर गाइस आपका हो जाएगा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पे, चीज़ें बीचों बीच में, देखिए बीचों बीच में आपका डैश भी लगा है, तो ये चीज़ कहाँ पे गाइस? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की योजना तैयार की है, यह किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो बताइएगा किस क्षेत्र में उपयोगी है ड्रोन निर्माण इकाइयाँ? देखिए गाइस अगर हम बात कर लें ऑप्शन की, तो कृषि दिया है, आपदा प्रबंधन दिया है, कानून और व्यवस्था दिया है। तो गाइस आपको पता है कि ड्रोन का अगर निर्माण हो रहा है, मतलब ड्रोन से चीज़ों की निगरानी रखी जाएगी, तो किसी एक चीज़ में तो है नहीं भाई, कैमरा है, कैमरा तो सारी चीज़ें कवर करता है ना, तो आपका कृषि में भी कवर कर लेगा, आपदा प्रबंधन में भी कवर करेगा, और कानून की व्यवस्था भी इससे क्या होगी, मजबूत होगी। तो इसमें राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। 18 नंबर गाइस आपसे पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना? गाइस आपको ये बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि 24 वर्ष के में ऐसा पहली बार हुआ है कि गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष
के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया है 2022 अक्टूबर में, तो वह आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, वो आपके कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पे जाएगा। चलिए राइट आंसर क्या है गाइज, राइट आंसर आपका है कि अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में पहले अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में किसने शपथ ली। तो आप सभी को तो पता होगा गाइज, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है अक्टूबर 2022 में 57वें प्रधानमंत्री के रूप में अश्वेत एशियाई मूल के गाइज किसे चुना गया, ऋषि मुनि को साहब को तो चुना गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शक्ति खेल संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता था। गाइज ये आपका देखिए खेल हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और बहुत ही अच्छा ये शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था सुभद्रा सिंह जी ने। और इन्होंने क्या हुआ था गाइज, ये एक्चुअल में आप इसको नेपाल से भी रिलेटेड है कि नेपाल से भी लोग इसमें आए थे प्रदर्शन करने, और हमारे यूपी के रामपुर ज़िले के गाइज ये रही हैं कैंडिडेट सुभद्रा सिंह। इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया और इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल ये जीत के आई हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा है। तो बताइएगा गाइज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नाम में परिवर्तन हो रहा है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आया जाएगा। ठीक है, कहीं स्टेडियम का नाम बदला जा रहा है, कहीं पे आपको पता है रेलवे स्टेशन का नाम, या फिर कहीं क्या हो रहा है किसी जिले के नाम चेंज किए जा रहे हैं गाइज, आपको सभी को पूरी लिस्ट बना के दे देंगे, तो ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। आप बताइएगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, जैसे कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया है ना, तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए झांसी में कौन रहती थी, झांसी में आप ऑप्शन से ही चीज़ें बता सकते हैं, लक्ष्मीबाई के नाम पे रख दिया जाएगा, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पोंगल त्यौहार, आप सभी को पता है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, या 4 दिन तक मनाया जाता है गाइस। ठीक है, और तो इसमें आपको बताना कि जो पोंगल का जो लास्ट डे होता है, मतलब कि चौथा दिन होता है, उसमें उसको क्या कहते हैं गाइस, तो वह क्या कहलाता है तमिलनाडु में जो होता है गाइस। तो इसमें गाइज आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं कानून पोंगल। ठीक है, क्या होता है इसमें होगा, हो देखिए गल करते हैं, गल का मतलब होता है बात करते हैं, कहाँ करते हैं, तो कान में बात कर रहे हैं चुपके चुपके से, तो ऐसे आप लोग ध्यान कर सकते हैं। चलिए, और हाँ पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है गाइज, तो जब कोई मिलता है, मतलब तमिल मिलन लिखा है मिलनाडु, तो यहाँ पे जब कोई मिलता है तो क्या करता है, गल करता है, गल का मतलब बात करता है, यहाँ से भी आप चीज़ें याद कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है। तो देखिए आप सभी को पता है गाइस कि ग्वालियर मतलब एमपी में क्या होता है, तानसेन समारोह आयोजित होता है, वहाँ पे क्या होता है पुरस्कार दिए जाते हैं गाइस, क्योंकि जो हमारे तानसेन साहब थे ये संगीतकार थे, और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका एमपी में ही हुआ था, है ना, ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर ज़िले में, तो इसी वजह से वहाँ पे गाइस वहाँ की सरकार ने ये चीज़ें की कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, पुरस्कार सम्मान देंगे हर साल। तो ये गाइज आपके एक संगीत अकादमी है, उसका नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखीरी, मतलब कि पचरंग आपका है कि पचरंग चोला पहर सखीरी, वहाँ की थोड़ा लैंग्वेज है बिहार की, ठीक है, उसी बिहारी लैंग्वेज में ये बात कही गई है गाइस, तो इसी के लिए इनको क्या मिला गया गाइस, बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया, किसको प्रदान किया गया है गाइस, तो वह है जाने माने डॉक्टर माधव हाड़ा जी। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या जाएगा गाइस, इन्होंने देखिए ये पचरंग चोला पहन पहर सखीरी के लिए इन्होंने बिल्कुल गाइस एकदम अपना हाड़ लगा दिया कि मतलब पहन ही लो। ठीक है, तो कुछ आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है गाइस, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं गाइस, केमिकल नेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है गाइस, तो कहाँ पे होता है इसका उपयोग गाइस, तो आग बुझाने में होता है। ठीक, आपका फिर होता है हरित गृह प्रभाव में भी होता है, और वाटर सोडा में भी, देखिए आप कभी भी वाटर सोडा को खोलेगा तो झाग जो निकलती है, अरे हम लोग जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना गाइस, उसमें क्या होता है झाग निकलती ना, तो किसकी वजह से निकलती, इसी की वजह से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस आपसे कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है, तो यह आपका प्लांट है, तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें बतानी गाइस कि कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा नहीं है। क्या यह आपसे पूछा गया कि राजस्थान के जयपुर में है, क्या यह सही है, या फिर इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत हुई थी, क्या यह बात सही है, और इसमें कहा गया कि हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा यह पावर प्लांट। तो गाइस अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो सभी के सभी पॉइंट्स आपके क्या हैं, सही हैं, है ना, सभी के सभी सही हैं, तो राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 28 नंबर पूछा गया गाइस कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया।
तो बताइएगा कि आपको बताना है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय तो गाइस कहाँ पे स्थापित किया गया है। आप सभी को पता है कि हमारा जो केरल राज्य है गाइस सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इसका साक्षरता वाला राज्य है आपका, ठीक है। तो वहीं पे गाइस आपका ये इसका स्थापना की गई, संग्रहालय की स्थापना केरल में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है। गाइस आपको इस आपको सेंसस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है और आपका 101% क्वेश्चन आपका आपका सेंसस से आएगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। तो बताइएगा कि आपको बताना है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद का है, तो यह है आपका गाइस आपका आजमगढ़ का है, ठीक है, आजमगढ़ का है। अगला है कि उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। देखिए गाइस क्या होता है, सबसे बड़ा सरकार को कहाँ से फ़ायदा मिलता है, तो आप सभी को पता है कहाँ से मिलता है गाइस, टैक्स से मिलता है, ठीक है। हम लोग चाहे डायरेक्ट टैक्स दें या फिर इनडायरेक्ट टैक्स दें, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुल्क से नहीं होता है, मालगुजारी से नहीं, आपका देखिए व्यापार कर से, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स ही होता है, तो ठीक है राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, सामान्य व्यापार कर से। अगला क्वेश्चन है कि शौरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है। आपको बताना है कि जो आपका शौरा डांस है गाइस ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है और आपको बताना है कि किस जनपद में लोकप्रिय है, तो गाइस यह है आपका देखिए झांसी का भी लोकप्रिय है, हमीरपुर का और साथ ही साथ ललितपुर का भी है, ठीक है, ऑप्शन आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो गाइस बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना जो आपके आर्टिकल्स दे रखे हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए 280 आपका वित्त आयोग से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है। 52 आपका भारत का राष्ट्रपति से है और कह रहा है कि 56 राष्ट्रपति का शासन से है, क्या गाइस राष्ट्रपति शासन ये तो नहीं है गाइस, ये किस में आता है, ये तो गाइस किस में आता है। और पूछा गया कि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण से है, तो गाइस ये भी आपका आपका ये सही है, ये वाला सही है। देखिए ये इसमें गाइस ये आपका गलत है, ये राष्ट्रपति का शासन कब लगता है गाइस, राष्ट्रपति का शासन कब लगता है, 3352 में लगता है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थिति है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र गाइस कहाँ है, ये आपका कहाँ है, बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है गाइस, सही सुमेलित कौन सा है। देखिए आपसे पूछा गया कि पिसिकल्चर कवकों से का अध्ययन से नहीं है, क्यों, ये तो मछली से रिलेटेड है तो इस वजह से गलत हो गया। सेरीकल्चर गाइस पूछा गया, सेरीकल्चर तो रेशम कीट से मत से नहीं है। पोमोलॉजी किससे, फल से, ये आपका सही है। हॉर्टिकल्चर किससे, बागवानी से गाइस, ठीक है, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या है गाइस, सही सुमेलित कौन सा है, पोमोलॉजी है। अगला कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, तो किस में बचत करते हैं, अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से में, अगर बड़ा हिस्सा वो बचा लेंगे गाइस तो क्या खाएंगे, ये तो है नहीं, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से में, अगर गरीब ने 10 रुपये कमाए गाइस तो वो क्या करेगा, 8 रुपये खर्चा कर देगा, उसका छोटा भाग मतलब कि 1 या 2 रुपये, 10 में से 2 रुपये वो बचा ही लेगा, ठीक है, ये चीज़ आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लाया गया था गाइस, तो वस्तु आपका GST से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स गाइस आपका कौन सा, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जिसमें ये आया था GST आपका, तो ये आया था 101वां संविधान संशोधन में, ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी गाइस, तो देखिए अगर सच्चाई की बात कर ली जाए तो सच कौन बोलता है, जिसमें दया होती है, दया भाव होती है गाइस, तो स्वामी दयानंद ने की थी, ठीक है, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला है कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे गाइस, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कूका या फिर नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये सभी के सभी थे गाइस, भगत जवाहर मल भी थे और भाई बालक सिंह भी थे और बाबा राम सिंह कूका भी थे, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधुनिक युग का मनु, तो आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा। तो ये गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी आपके पास में। अगला क्वेश्चन है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है गाइस, एका आंदोलन, ठीक है, एका आंदोलन आपको सभी को पता है कहाँ से है, बंगाल में नहीं है, बिहार में नहीं है, केरल से भी नहीं है, आपका अवध से है गाइस, राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है, बताइएगा, अब आप लोग बताइएगा, फिल्म वगैरह मूवी वगैरह बहुत देखते हैं ना, बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या है, कन्नड़ फिल्म बताइएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग बॉलीवुड हॉलीवुड के चक्कर में पड़े हैं, कन्नड़ फिल्म अभिनेता कौन है बताइएगा, पेपर में तो यही पूछा जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुनीत राजकुमार, ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, पुनीत राजकुमार हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, बताइएगा, 10 लाख का नोट, नया नोट जारी करने जा रहा है और हमारे यहाँ 2000 नोट पे भी बैन लगा दिया गया,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा पढ़ के। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, अब इसका जवाब दीजिएगा, पर देखते हैं कितने लोग देते हैं। कौन सा देश है जिसने 10 लाख का नया नोट भाई साहब जारी कर दिया है, बताइए ऐसा कौन सा देश है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिसने भी किया ना बहुत ही अच्छा काम किया है, वन नंबर पे होगा, तो वेनेजुला हो गया। ठीक है, एक नंबर का काम किया है, वन नंबर का काम किया मतलब कि वन से वेनेजुला, वेनेजुला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से याद कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पादक है, कौन सा ऐसा राज्य है जो सफ़ेद प्याज का उत्पादन करता है गाइस। तो वो आपका है अलीबाग, और अलीबाग कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्राकृतिक गैस मतलब कि नेचुरल गैस के उत्पादन है वो भंडारण में प्रथम है, कौन सा ऐसा आपका बताना है, कौन सा ऐसा राज्य का है जो नेचुरल गैस का उत्पादन भी करता है और भंडारण भी करता है, इसमें फर्स्ट रैंक पे है। तो ऐसा कौन कर सकता है गाइस, या कर सकता है आपका जो भी करेगा, बहुत ही औसम है। तो ये काम किसने किया गाइस, असम ने किया, असम ने। ठीक है, अगला है कि मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या हो गया गाइस, मडुआडीह का पुराना नाम जो भी था मडुआडीह ही था, उसका नया नाम क्या हो गया गाइस, बनारस जंक्शन हो गया। ठीक है, पहले बनारस का पुराना नाम क्या था, मडुआडीह था शायद सभी को नहीं पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया, श्वास नामक ऑक्सीजन की गाइस अगर बात कर ली जाए तो किसने किया, तो ये किया देखिए श्वास एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा, तो इसरो ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, देखिए आप सभी को पता है चमड़ा कहाँ का फेमस है, एक तो आगरा का फेमस है और दूसरा आपका कानपुर का भी है। ठीक है गाइस, राइट आंसर आपका ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा गाइस, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका गाइस मथुरा में होगा। ठीक है, मथुरा का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कि अगर हम बोले तो सी ए डी एक कंप्यूटर का कोर्स है गाइस, आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पे गाइस, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ मिल जाएगा आपको, लखनऊ में मिल जाएगा। ये पाइन एप्पल बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है, ये गाइस जूस वगैरह नहीं है, ये ट्रेन भी नहीं है, तो बताइएगा पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है। क्वेश्चन देखिए ऐसे एग्जाम में आते हैं गाइस, है ना, जिससे क्या होता है सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, और क्या होता है आता नहीं है। तो बताइएगा इसका क्या मतलब है गाइस, यह कैसी घटना है, तो ये एक वायुमंडलीय घटना है गाइस। ठीक है, राइट आंसर आपका डी पे जाएगा, पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है, ये एक वायुमंडलीय घटना है। तो गाइस फाइनली 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये सेशन आपको कैसा लगा गाइस, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी फेयर भेज दिया करिए, शेयर कर दीजिए करिए। और गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।